गुड मॉर्निंग क्लास। आज की मैथ की क्लास में हम चैप्टर 11 करेंगे। चैप्टर 11 आपने पहले भी कर रखा है, मेजरमेंट, ठीक है। आप लोगों ने क्लास में इसकी रिविजन भी कर रखी है और हमने आपको अच्छे से समझा भी रखा है, पर बेटा आज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो उससे पहले हम आपको मेजरमेंट के जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट आप लोगों ने रिविजन कर रखा है और नहीं भी कर रखा है तो हम आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं। लेंथ का आपने रीड कर रखा है, देखो, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। बेटा आपको पता है कि इन सब में जो डिफरेंस होता है वो 10-10 का होता है। मैंने अच्छे से क्लास में आप लोगों को बता रखा है। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, ठीक है। और इसी तरह आप मास का भी देख सकते हो। आपको पता है कि हम लेंथ से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की लेंथ नापते हैं, और मास से हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का वजन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेते हैं, केजी, ठीक है, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ये भी इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे मीटर है स्टैंडर्ड यूनिट, तो ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। वैसे ही आपका क्या हो गया आगे, डेसीमीटर, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है। तो बेटा इसमें भी सबका डिफरेंस 10-10 का ही होता है, ठीक है, आपको रिमेम्बर आ गया होगा, ठीक है। वैसे ही हम कैपेसिटी में भी चेक कर सकते हैं, तो किलोमीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर और डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर होता है। तो बेटा इसमें भी 10-10 का डिफरेंस होता है, आपको मेरे बताने पे आपको रिमेम्बर हो गया होगा, याद आ गई होगी कि मैम ने क्लास में करा रखा है, ठीक है। पहले तो आप इसको लर्न कर लोगे अगर आपको अभी तक लर्न नहीं है, ठीक है। तो आज हम इसके बेस पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम आज की क्लास में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो बेटा आज की क्लास में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन इजी है बिल्कुल, पर जो सब्ट्रैक्शन है बेटा थोड़ा अलग है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 6 मिलीमीटर है, इसमें से आपको 7 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर को कट करना है, ठीक है, यानी कि माइनस करना है। तो आप नॉर्मली जब सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप क्या करते हो, साइड वाले से बोरो कर लेते हो, ठीक है। तो ये भी वैसे है, पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे आपका क्या है, मिलीमीटर है। तो आपको क्लास में हमने समझा रखा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो जब आप इधर से बोरो करोगे तो वो 1 तो देगा, लेकिन उसको हम 10 काउंट करेंगे, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो आपने 10 ले लिया और प्लस 6 इसके हो गए, ठीक है, तो ये आपके 16 बन गए। अब 16 में से आप क्या करोगे, 9 को कट कर दोगे। जब आप 9 को कट करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 मिलीमीटर, ठीक है। तो वैसे ही आप इधर जाओगे, जब आपने इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे कितने बच गए बेटा, 24 ना, तो 24 में से आपको 7 कट करना है, यानी 24 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर को कट करना है। तो जब आप इसको कट करोगे, माइनस करोगे, तो 17 सेंटीमीटर आएगा। तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप अपना जो लेंथ, यूनिट और कैपेसिटी का जो है चार्ट है उसको देखेंगे और उसको देख के फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको लर्न कर लोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।